देखो जगह तो बहुत सारी हो जाती है रामाजी, जगह बहुत खूबसूरत हो सकती है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ मतलब आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, लेकिन अगर लोग अच्छे नहीं होंगे तो मज़ा, सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी गांव हो, मोहल्ला हो, शहर हो, वो लोगों से बनता है। तो लखनऊ के लोग बड़े प्यारे हैं सबसे पहले, तो मुझे उनसे बहुत प्यार। उसके बाद आज बहुत सारे पार्क बन रहे हैं, रोडें बहुत चौड़ी हैं, क्लीन हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, मेट्रोज बनने वाली, हाँ थोड़ा क्राउडेड है, पोल्यूशन भी है, पोल्यूशन में आज लखनऊ का नाम एक आता है तो बड़ा दुख होता है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लखनऊ के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा शहर बड़ा खूबसूरत है यार, थोड़ी हमें भी मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस शहर के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि इसका पोल्यूशन कम हो सके। इसके अलावा आपकी भी कुछ मूवीज भी आ रही हैं। जी जी जी। तो उसका आपने बताया कि उनकी शूटिंग भी लखनऊ में ही हुई है या लखनऊ के आसपास के जिलों में हुई है, जगहों में हुई है, तो लखनऊ को चुनना एक्टिंग के पर्पज से आपको क्या लगता है या किसी फिल्म के लिए कितना जरूरी हो गया है, क्या है? देखिए आपके तीन चार सवाल, आपने तीन चार सवाल एक ही सवाल में पूछ लिया है। पहली बात तो आपने पूछा कि लखनऊ क्यों शूटिंग के लिए, लखनऊ इसलिए कि आज इस शहर में ये शूटिंग फ्रेंडली हो गया है और एज़ पर माई नॉलेज लखनऊ को अभी मोस्ट शूटिंग फ्रेंडली लोकेशन का नेशनल अवार्ड मिला है लास्ट ईयर शायद, जो मेरी समझ में आता है। प्लस फ्लाइटें मौजूद हैं, होटल मौजूद हैं, लोकेशंस मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं और नॉन डिस्टर्बिंग एरिया है, आपको रियल लोकेशन मिलती है, शूटिंग करने वालों को और क्या चाहिए। आज बॉम्बे में वो लोकेशंस पुरानी हो गई, वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, इस शहर में आके बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, एट द सेम टाइम सारी चीज़ें बहुत रिजनेबल प्राइस पर हैं, तो प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूसर के पैसे बचते हैं, प्लस यूपी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, उनको सब्सिडी दे रही है, प्रोड्यूसर्स को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है जो उनकी शूटिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।